श्री पंडित जी का कहना है, नाम जप की सिद्धि के लिए आवश्यक सात बातें पंडित जी बताया करते थे। नाम जापकों के लिए सात बातें कौन सी? पहली बात, श्री भगवान नाम जप को ही प्रधान साधन माने। चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे बैठे निरंतर नाम जप का अभ्यास करें। और भी कुछ करे, जैसे एकादशी करे, पूजा करे, पाठ करे, तीर्थ यात्रा करे, सब कुछ करे, लेकिन प्रधानता रहे नाम जप की। यदि ये साधन करने में नाम जप छूट रहा है तो ये साधन भले छूट जाए लेकिन नाम जप ना छूटे। मेन मुख्य साधन कलयुग केवल नाम आधारा, तो भगवान नाम को ही प्रधान साधन मानो और जो साधन है उनको गौण। मुख्य नाम जप की। और इस साथ में कहा कि लेटे बैठे निरंतर नाम जप को अभ्यास, कंजूस के धन की भांति नाम जप धन को बढ़ाने में लगे रहे। मतलब प्रतिदिन बढ़ता जाए, भजन खूब करो, पहली बात। और दूसरी बात पंडित जी कहते हैं, बोलवे में संयम रहे, क्योंकि बोलेंगे नाम छूटेगा, चाहे अच्छी बात बोल रहे हो। मतलब पंडित जी मच्छरदान में, क्योंकि मैं तब मिला था पंडित जी को जब पंडित जी की आयु लगभग 95 साल की थी, जीवन के अंतिम 6 साल, तो पंडित जी मच्छरदानी में अक्सर बैठे रहते थे, अपना जब चिंतन में लगे रहते थे। तो पास में संत आगे माले कोई भगवत चर्चा लगे करने, तुरंत पंडित जी रोक देते थे। फिर मास्टर बाबा कहते, बाबा कन्हैया की बातें कर रहे हैं। तो बाबा कहते, नहीं क्यों नहीं, भगवान की चर्चा क्यों नहीं? तो पंडित जी का कहना था, अब तो भगवान की चर्चा कर रहे हो, चर्चा करते करते और चर्चा भी चल जाएगी, इसे शुरुआती मत करो, नाम जप करो बस। तो बोलने में संयम रहे, बिना बोले काम चल जाए तो न बोले, संकेत सो काम चल जाए तो बोले नहीं, संकेत में कह दो, इशारे में, कोशिश करो मत बोलो। बोले बिना काम न चले तो आवश्यकता वश कम से कम बोले। एक शब्द सो काम चल जाए तो दूसरा शब्द बोलने की जरूरत क्या है? ये पंडित जी कहना, कम से कम शब्द बोल, क्यों ना बोले? कहते जो ही कुछ भी बोलोगे नाम छूटेगा। माले कुंडी खलवानी है तो टक टक कर दो नाम जब करते, लेकिन ये ना कहा कुंडी खोल दो। भाई जब टक टक करने से बिना बोले कुंडी खुल सकती है। किसी से कुछ मंगाना है, माले कहना तोलिया लाना, तो लाना शब्द क्यों बोला? सीधा कहता तोलिया, इतना बोल दो बस, और तुरंत नाम जप में लग जा। यदि किसी को बुलाना है इधर आओ, तो इधर शब्द क्यों कह दिया? जब आओ से काम चल जाता है। आज इशारा करते इधर, सीधा कहता आओ बस, इधर भी मत बोलो, माने कम से कम शब्द बोलो। किस लिए? जिसे नाम ना छूटे। और हम लोग क्या करते हैं? ओ फुर्सत से बातें करते रहते हैं, बात नहीं बातें, और हाथ में माला झोली, और इतनी बातें, इतनी बातें पूछो मत। मतलब अभी लोभी नहीं बने नाम के। और तीसरी बात पंडित जी कहा करते थे भजन करने वालों के लिए, कि पर चर्चा, पर निंदा, गाली चुगली न करें और न सुने। श्री भगवत प्रेमी संतन के मुख सो श्री भगवत चरित्र एवं भक्त चरित्र ही सुने एवं मनन चिंतन करें। मने भगवान की कथा से भी ज्यादा पंडित जी जोर देते थे भक्त माल की कथा को सुनो, भक्तों के संतों के चरित्र सुनो, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। भगवत चरित्र सिद्धों के लिए पावरफुल है, आनंद देने वाला है, और साधकों के लिए भगवान के चरित्र से भी ज्यादा संतों का, भक्तों की कथा सुनो, उनका चरित्र सुनो, या पढ़ो, कोई सुनाने वाला ना हो। तो भगवत भजन करने वालों के लिए भक्तमाल कथा, भक्तों का, संतों का चरित्र पढ़ना सुनना चाहिए। चौथी बात, कुसंग को त्याग करें, मन में बुरे विचार न आने पाए। अध्यात्म पथ में बाधक कोई भी संसार की कामना, किसी पे क्रोध करना, किसी से ईर्ष्या करना, ये जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, इनका त्याग करें, कुसंग का त्याग करें। और सत्संग एवं सद्विचार के सतत सेवन एवं चिंतन मन के द्वारा इनसे बचें।
पांचवी बात, सहनशील बने। कोई दुख दे तो प्रसन्नता पूर्वक सह ले, किंतु हमारे द्वारा कोई दुख न पावे या नियम को सावधानी पूर्वक पालन करे। कोई दुख दे सह ले, लेकिन हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना। ये भजन करने वालों के लिए नियम बताए सात पंडित जी ने, जिनको भजन का इसी जन्म में फल प्राप्त करना है। और छठी बात कहा कि मन वाणी शरीर द्वारा कोई भी शास्त्र विरुद्ध कर्म न करे, माने पाप से बचो। सातवां और अंतिम पंडित जी कहा करते थे, श्री भगवत प्रेम के अतिरिक्त अन्य कोई कामना न रहे। भगवत प्रेम प्राप्त करना, इसके सिवा कोई कामना न रहे। भगवत आश्रय दृढ़ रहे, श्री भगवान के प्रत्येक विधान में मंगलमयता को भाव रहे। जो भी मेरे लिए प्रभु ने विधान रचा उसी में मेरा मंगल है। चाहे दुख हो रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, संकट आ गया, यही माने मेरे प्रभु का विधान है मेरे मंगल के लिए, बस।